गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम शिल्पा दास एंड वेलकम टू 5 पैसा। इस हफ्ते की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कौन से ऐसे 5 स्टॉक्स हैं जिनमें आप ट्रेड कर सकते हैं, जो आपको हम रेकमेंड करने वाले हैं इस वीडियो में। इसी के साथ इंट्राडे के निफ्टी एंड बैंक निफ्टी लेवल्स भी देखेंगे, साथ ही उन कॉल्स के परफॉर्मेंस के बारे में भी जानेंगे जो हमने आपको पहले रेकमेंड किए थे, और कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स पर भी नजर डालेंगे। आगे बढ़ने से पहले जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं इंट्राडे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स के साथ। इंट्राडे निफ्टी लेवल्स की बात कर लेते हैं। पहला सपोर्ट लेवल है 22,950, दूसरा सपोर्ट लेवल है 22,780, पहला रेजिस्टेंस है 23,470 और दूसरा 23,660। इसके अलावा इंट्राडे बैंक निफ्टी लेवल्स की बात करें तो पहला सपोर्ट लेवल है 49,500, दूसरा सपोर्ट लेवल है 49,280, पहला रेजिस्टेंस है 50,150 और दूसरा रेजिस्टेंस है 50,470। चलिए बात करते हैं 5 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे के बारे में, यानी कि आपको हम रेकमेंड करेंगे 5 स्टॉक्स और होल्डिंग पीरियड होगा 7 to 10 days। सबसे पहला स्टॉक रिकमेंडेशन आज के लिए है टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड। रिकवरी ऑन कार्ड है यहाँ पर, तो आप इसे बाय कर सकते हैं 1813 पर। स्टॉप लॉस 1745 लगा सकते हैं, पहला टारगेट 1882 और दूसरा टारगेट 1950 पर रख सकते हैं। अगला स्टॉक है बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड, यहाँ पर बुलिश पैटर्न है, बाय कर सकते हैं 400 पर। स्टॉप लॉस 384, पहला टारगेट 416 और दूसरा टारगेट 435। नेक्स्ट स्टॉक इज जिंदल सॉ लिमिटेड, ये ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है, आप इसे बाय कर सकते हैं 555 पर। स्टॉप लॉस 525 लगा सकते हैं, पहला टारगेट 585 रख सकते हैं और दूसरा टारगेट 610 रख सकते हैं। अगला स्टॉक मदरसन, कंटिन्यूएशन ऑफ अपट्रेंड है यहाँ पर, बाय कर सकते हैं 157 पर। स्टॉप लॉस 149, पहला टारगेट 165 और दूसरा टारगेट 173 पर रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इज वॉक फार्मा, यहाँ पर वॉल्यूम स्पर्ट है, बाय कर सकते हैं 572 पर। स्टॉप लॉस 549, पहला टारगेट 595 और दूसरा टारगेट 618 पर रख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जो पहले हमने आपको रेकमेंड किए थे, देखते हैं कि उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा। जो स्टॉक्स हमने आपको रेकमेंड किए थे उनमें से ग्रीन प्लाई वेंट अप 5.2%, फर्स्ट टारगेट अचीव किया है। ज्वारी इंडस्ट्रीज लिमिटेड वेंट अप 4.2%, फर्स्ट टारगेट अचीव। ओएफएसएस वेंट अप 3%, फर्स्ट टारगेट अचीव्ड। एंड देवयानी वेंट अप 3.5%। नाउ लेट्स सी स्टॉक्स इन न्यूज, जिसमें आज बात करेंगे बोरोसिल रिन्यूएबल्स, आर्ट्स एंड इंजीनियरिंग और वर्ल्ड विजार्ड इनोवेशंस एंड मोबिलिटी के बारे में। बोरोसिल रिन्यूएबल्स का प्लान है टू रेज अप टू ₹450 करोड़ वाया राइट्स इशू ऑफ शेयर। इसके अलावा आर्सन इंजीनियरिंग को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है जो है वर्थ ₹126.15 करोड़ फॉर अ प्रोजेक्ट एट गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसी के साथ वर्ल्ड विजार्ड इनोवेशंस एंड मोबिलिटी की बात करें तो इन्होंने सिक्योर किया है अ मैसिव $1.29 बिलियन ऑर्डर From Beulah International Development Corporation to supply electric vehicles and transform public transportation in the Philippines. फिलहाल के लिए इतना ही, और ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए कीप फॉलोइंग 5 पैसा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल हम मिलेंगे सेम टाइम पर 5 नए स्टॉक्स के साथ। तब तक के लिए आपके जो भी फीडबैक या सजेशन है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।